महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया है कि वह राज्यपाल बनने से खुश नहीं है। कोश्यारी के इस बयान की अब खूब चर्चा हो रही है। शनिवार को राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि राज्यपाल होने में कोई खुशी नहीं है और इस होने पर बहुत दुख है। राज्यपाल ने कहा कि भले ही इस पद पर कोई खुशी नहीं है, लेकिन जब आध्यात्मिक नेता गवर्नर हाउस में आते हैं और वे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उन्हें बेहद खुशी मिलती है। जैन समाज के कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, मुझे राज्यपाल बनने से खुशी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ। हालांकि जब राजभवन में सन्यासी आते हैं तब मुझे खुशी होती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बयान दिया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस बयान को विवाद के चश्मे से देखना मुनासिब नहीं रहेगा। गौरतलब है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने शिवाजी महाराज को पुराने दिनों का आइकॉन बता दिया था, जबकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नए जमाने का आइकॉन बताया था। कोश्यारी के इस बयान के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने राज्यपाल पर निशाना साधा और राज्यपाल को पद से हटाने की मांग कर दी। विवाद बढ़ता देख राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर माफी मांगी। अपने पत्र में कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश का गौरव बताया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।